फरीदाबाद के सेक्टर 32 में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा आयोजित की गई, जिसके छठे दिन कथावाचक आचार्य अरविंद भारद्वाज ने जहां कथा सुनने आए भक्तजनों को कथा के माध्यम से आशीर्वाद दिया, तो वहीं नेटवर्क 10 से खास बातचीत करते हुए कहा कि भागवत कथा के माध्यम से संसार के समस्त प्राणियों को ये ज्ञान देना चाहते हैं, हमारी वैदिक सनातन पद्धति है और ये सदैव बची रहे और हमारे राष्ट्र की रक्षा रहे और धर्म की रक्षा होती रहे। वहीं कथावाचक आचार्य अरविंद भारद्वाज ने कहा कि जीवन में अनेक अवसर आते हैं, लेकिन 3 बार अवसर अवश्य आते हैं। 3ों बारों में जो अवसर का लाभ उठा लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है, जो अवसरों का लाभ नहीं उठा पाता उसका जीवन बिगड़ जाता है। तो फरीदाबाद हरियाणा के अंदर आपको बता दें कि कथावाचक अरविंद भारद्वाज ने यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सनातन पद्धति हमेशा से ज्ञानवर्धक रही है और धर्म की रक्षा करना भी बेहद ज़रूरी है। साफ तौर पर ये तमाम सीखे और ज्ञानवर्धक बातें आचार्य की तरफ से कही गई है। जीवन में संस्कार शिक्षा अपने बेटा बेटियों में देना अनिवार्य है। इस बीमारी को बोलो भागवत महापुराण की जय। व्यास गद्दी से आज पहली बार श्रीमद् भागवत की कथा को नेटवर्क 10 के माध्यम से सभी श्रोता भक्तों में पहुंचाने के लिए आज पहला अवसर बना है। तो ये भागवत कथा के माध्यम से हम संसार के समस्त प्राणियों को, मनुष्यों को ये ज्ञान देना चाहते हैं कि हमारी वैदिक सनातन पद्धति है ये सदैव बची रहे और हमारे राष्ट्र की रक्षा रहे और धर्म की रक्षा होती रहे। यह मेरा संदेश है सबके लिए। जीवन में अनेक अवसर आते हैं, 3 बार प्रभु अवसर देते संभलने के लिए। 3 बारों में जो अवसरों का लाभ उठा जाता है उसका जीवन संभल जाता है, जो अवसरों का लाभ नहीं उठा पाता है उसका जीवन बिगड़ जाता है। राधे राधे, यही संदेश है। आप सभी नेटवर्क 10 के जितने भी पदाधिकारी हैं, मेरे तरफ से शुभ आशीर्वाद। आपका चैनल खूब आगे जाए, ईश्वरी शक्ति आपको सहारा दे और हमारे जितने भी श्रोता भक्तगण ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं इस कथा को, उनको एक संदेश है कि जैसे धर्म का प्रचार हम अपनी वाणी से करते हैं, ऐसे ही राष्ट्र का हित करने के लिए हमारे चैनल वाले भाई तैयार रहते हैं। आप इनका सहयोग करें और आप इनको इनका साथ दें और अपना विकास करें। राधे राधे। गुरु जी, आज का युवा लगातार नशे की ओर जा रहा है, जुए की ओर जा रहा है, उनके लिए क्या कहेंगे? आज का जो युवा वर्ग है उसे माता पिता के पास बैठने का टाइम नहीं है। माता पिता के पास यदि बैठे तो उसके अंदर संस्कार पैदा होंगे। जो नशे की ओर जा रहे हैं, जो कुमार्ग पर जा रहे हैं, उसका कारण यही है कि वह माता पिता के साथ बैठ करके वार्तालाप नहीं करते हैं, इसलिए उनके विकास में बाधा बन रही है। जो चैनल पर आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या आशीर्वाद है? जो नेट चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं, जहाँ से देख रहे हैं, मेरा हृदय से आशीर्वाद है, किसी भी वक्ता के मुख से जब कथा श्रवण करने का जब किसी भी वक्ता से कथा श्रवण करने का मौका मिले तो जरूर कथा श्रवण करें, क्योंकि कथा बार बार श्रवण करने से हमारे जीवन में बदलाव लाती है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोरहो रसिका भूमि भावुका। इसलिए रसिक गण का कहते हैं बार बार इसे पान करना चाहिए।